आप देख रहे हैं दी इंडियननेस, मैं हूं प्राची तिवारी। बचपन में खिलौनों के बाद बच्चों की जिद साइकिल होती है। बच्चों को साइकिल चलाने का काफी शौक होता है। बड़े होते होते बच्चे फैंसी साइकिल छोड़ बाइक और कार के सपने भी देखने लगते हैं और बच्चों का साइकिल से लगाव खत्म हो जाता है। लेकिन चंडीगढ़ के राजीव कुमार के लिए ये बात सही नहीं बैठती। जैसे जैसे राजीव बड़े होते गए, उनकी साइकिल भी बड़ी होती चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि साइकिल की उम्र आखिर बड़ी कैसे हो सकती है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी आगे की ये वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के राजीव कुमार की, जिन्होंने शहर को पहचान दिलाने के लिए 10 फुट 6 फीट की साइकिल बना दी। साइकिल की बदौलत इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। बचपन से ही राजीव को साइकिल का काफी शौक। राजीव का जन्म 10 सितंबर 1789 को चंडीगढ़ में हुआ। जब वो 10वीं क्लास में थे तो उन्होंने 5 फीट की साइकिल बनाई और कई लोगों का ध्यान इनकी तरफ पड़ा। फिर इन्होंने इसी 5 फीट की साइकिल को 14 फीट का बना दी। जैसे ही चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें रोड पर 14 फीट की साइकिल चलाते हुए देखा तो इनकी साइकिल रोड पर चलाने से मना कर दिया। फिर राजीव ने 2003 में 9 फीट 6 इंच की साइकिल बनाई। उनकी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए सभी लोग साइकिल चलाएं। इसके लिए उन्होंने बाइक को त्याग कर साइकिल पर सवारी करना सही समझा। फिर उन्होंने एक लंबी साइकिल बनाकर रिकॉर्ड बनाने की सोची। उन्होंने 10 फीट 6 इंच की साइकिल बनाई। उसी के तहत उनको 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब भी मिल चुका है। राजीव को 10 फीट 6 इंच की साइकिल बनाने के लिए 2 साल का वक्त लगा। ये पूरी साइकिल उन्होंने स्टील से बनाई है। जैसे ही लिम्का बुक में उनका नाम दर्ज हुआ तो उन्होंने अलग स्टाइल की साइकिल बनाना शुरू कर दिया। राजीव चंडीगढ़ में रहते हैं जहां साइकिल से ज्यादा कार चलती है। वो फिर भी चाहते हैं कि फिर साइकिल का चलन वापस आए। इसके लिए उन्होंने फिट और वातावरण साफ रखने के लिए रोड रोड जाकर लोगों को समझाना शुरू किया है। उनके काम को देखते हुए लोग उन्हें जॉनी के नाम से पुकारते हैं, इसलिए अब राजीव जी को जॉनी के नाम से भी पहचाना जाता है। लंबी साइकिल पर सवार होकर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके राजीव कुमार जॉनी अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने को मुंबई तक सफर करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कई लंबे टूर मारे हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल दी इंडियननेस को सब्सक्राइब भी करें।